नमस्कार। आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है परसेंटेज से रिलेटेड, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें है। तो कहते हैं एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। 600 रुपये में 240 सेब खरीदे हैं उसने, ठीक। उनमें से कुछ सेब खराब थे इसलिए उन्हें फेंक दिया। उसने बचे हुए सेब को 3.50 रुपये प्रति सेब की दर से बेचकर 198 रुपये का लाभ कमाया। यानी कि एक सेब बेचा 3.50 रुपये के हिसाब से। अब जब 3.50 रुपये के हिसाब से बेचा तो उसने 198 रुपये का लाभ कमाया। अब देखो 600 रुपये यहाँ पर लगाए, 198 रुपये यहाँ पर आए, तो टोटल यानी कि 600 + 198 में वो सेब बेचे होंगे उसने, जितने भी बच गए थे, है ना, 798 रुपये में सेब बेचे होंगे। अच्छा, एक सेब बेचे 3.05 रुपये का, तो 798 रुपये में कितने सेब बेचे होंगे, इतने ही। अगर मैं कह रहा हूं कि आपने एक सेब 5 रुपये का बेचा, आपने 10 रुपये खर्च करे, तो आपने कितने सेब बेचे, 2, 10 / 5 तो कितना आ गया, 2। क्लियर है। इसी तरह से इतने पैसे लगे, एक सेब था 3.50 रुपये का, तो आप सॉल्व करेंगे, 0 7 से काट देते हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 7, 7 × 7 और 7 और 2, 7 × 4 = 28, 0 5 से कर देंगे, 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 228 सेब उसने बेचे हैं। जबकि उसने खरीदे कितने से, 240, यानी कि 240 सेब खरीदे, है ना, 240 सेब खरीदे, बेचे कितने, 228, 228 बेच दिए, तो इसका मतलब खराब कितने हुए होंगे, 12 सेब खराब हुए होंगे ना। 240 खरीदे हैं लेकिन बेच कितने पाया, 228 बेच पाया। अब जो जब वो 228 बेच पाया 240 में से, तो खराब कितने हुए, 12। अब हमें अगर ये पूछा होता कि कितने सेब फेंके, तो मैं बता देता 12 सेब फेंके, लेकिन उसने पूछा कितने प्रतिशत। अच्छा, ये कितने का है, ये 12 का जो आया है चेंज, ये 12 जो सेब फेंके हैं ये कितने में से फेंके, 240 में से, तो 12 / 240 गुना में क्या, 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो सॉल्व कर दें, 12 × 2 = 24, 0 से 0, 10 से 5, 5%, यानी कि 5% सेब जो हैं वो फेंके गए हैं। और ऐसे पूछा कि कितने सेब फेंके हैं, तो वो 12 होते। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, होप आपको समझ आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चन में। तब तक के लिए नमस्कार।